हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम मनोज है, आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुअल कैमरा 7.2.014 अवेलेबल हो गया है अपने रेडमी नोट 5, रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 प्रो के लिए। सो अगर आपके पास दोस्तों शाओमी का डिवाइस है रेडमी नोट 5, रेडमी नोट 7 प्रो, तो इवन रेडमी नोट 8 के अंदर दोस्तों आप जीकेएम 7.2 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। इसके यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको मिलता है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर एक चीज में ध्यान देना होगा दोस्तों, मेरे पास रेडमी नोट 4 इसके अंदर भी काम कर रहा है। सो रेडमी नोट 4, रेडमी नोट 3, रेडमी नोट 5, रेडमी नोट 6, रेडमी नोट 7 प्रो सभी वर्जन के अंदर काम करेगा। मेक श्योर करना दोस्तों आपके पास एक एंड्रॉइड 10 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम और कस्टम रॉम होना चाहिए। अगर आप MIUI यूज कर रहे हो तो दोस्तों काम नहीं करेगा, आपको एक एंड्रॉइड 10 कस्टम रॉम को डालना होगा अपने रेडमी नोट 4, 3, 5, 6, 7 के अंदर। एनीवे यूजर इंटरफेस देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको HDR मिलता है, मोशन मिलता है, टाइम मिलता है दोस्तों। यहाँ पर सब कुछ काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है रेडमी नोट 5, रेडमी नोट 7 के अंदर। यहाँ पर आपको नाइट साइट मोड मिलता है, नाइट साइट मोड के अंदर आपको एस्ट्रोफोटोलॉजी मोड भी मिल जाती है जो कि फर्स्ट क्लास काम करती है। अगर आप ट्राइपॉड के साथ दोस्तों यूज करते हो तो एस्ट्रोफोटोलॉजी मोड एनेबल हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेंस ब्लर मोड मिलते हैं दोस्तों, जो कि रेडमी नोट 4 के अंदर फिलहाल काम नहीं कर रहा है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है दोस्तों, काफी ज्यादा हैंडी हो जाता है। 60 FPS से दोस्तों आप आराम से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, पर 4K 30 FPS का ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो पैरानोमा, फोटो स्पायर, टाइम लैप्स मिलता है। जो स्लो मोशन है दोस्तों उसे हटा दिया गया है, क्योंकि जो स्लो मोशन है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों टाइम लैप्स जो फीचर है काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टाइम लैप्स फीचर को यूज कर सकते हो अपने गूगल कैमरे के अंदर। चलते सीरीज के अंदर, आपको देखा था उस सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आपको दोस्तों क्विक सीरीज मिलती है, बहुत अलग अलग सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये देख पा रहे हो एस्ट्रोफोटोलॉजी मोड या सब एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सैचुरेशन मिलता है ऊपर, सो बहुत अलग अलग चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लोकेशन साउंड के लिए है, यहाँ पर आपको मिलता है फ्रेम हिंटिंग, जो कि एकदम नया है जीकेएम 7.2 के अंदर आया है। उसके बाद सेफ सेल्फी ISP व्यू, ये भी नया है दोस्तों जीकेएम 7.2 के अंदर आया है। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर सोशल शेयर, जिसके साथ आप डायरेक्टली गूगल कैमरा से अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के अंदर फोटो को पोस्ट कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी और अच्छी फीचर हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडवांस के अंदर बहुत सारी अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि HDR कंट्रोल का ऑप्शन है, फोकस ट्रैकिंग आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाइट मूवमेंट मिलता है, रॉ इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया डिप्ट फीचर आपको यहाँ पर मिलता है, क्विक सीरीज आप यहाँ से एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जूम इमेज कर सकते हो, ओपन डिफॉल्ट मोड, कौन से मोड में जब भी आप कैमरा एप्लीकेशन ओपन करोगे कौन से मोड के अंदर ओपन होगा, जैसे कि नाइट सेट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग, पैरानोमा, टाइम लैप्स। उसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस HDR सीरीज मिल जाती है, जो कि आपको खुद से ट्राई करके देखना चाहिए, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस APU को ट्राई करके देखना। उसके बाद आपको यहाँ से आप चाहो तो DCI-P3 कलर एनेबल कर सकते हो, और यहाँ पर आप जूम को डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर बहुत अलग अलग ऑप्शन है, आपको नाइट मोड हिंट करके ऑप्शन आपको ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ से आप एडवांस के अंदर दोस्तों राइट साइड के अंदर एस्ट्रोफोटोलॉजी मोड को यहाँ से एनेबल और डिसेबल कर सकते हो, एनेबल करके रखना। सो इस तरह की आपको एडवांस सीरीज मिल जाती है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको सीरीज में जाके देखना चाहूँगा दोस्तों कौन से डेवलपर की तरफ से APK आया है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों क्रेडिट देना अपने वीडियो के अंदर। सो अबाउट में जाकर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये दोस्तों जो डेवलपर है, डेवलपर का नाम है पैरोट, बहुत ही बेहतरीन डेवलपर है गूगल कैमरा का, GKM 5 और GKM 7 के लिए डेवलप करते हैं गूगल कैमरा। सो अगर आपके पास रेडमी सीरीज का रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 5 है तो जरूर इसको ट्राई करके देखना, अपने रेडमी नोट 4 के अंदर भी काम कर जाएगा, इवन 3 के अंदर भी काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो स्टेबलेशन को इनेबल कर सकते हो, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हो, बिट रेट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो APK है फर्स्ट क्लास काम करते हैं, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है, नाइट साइड मोड फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा के अंदर काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा के अंदर काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम स्टेबल APK है दोस्तों GKM 7.2 का। सो मैं आशा करूँ दोस्तों ये वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्द से वीडियो को लाइक करना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को आप दबा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे।